जेल होती है पता है तुम्हें? कम से कम 10 साल से शुरू होता है और लंबी सजा हो सकती है। चाकू कहाँ से खरीदे तू? कहाँ से? हरवाल लाइन में। कितने रुपए में चाकू लिया? 60 रुपए का चाकू लिया। कितना बड़ा चाकू लिया तुमने? इतना बड़ा चाकू लिया। और क्या प्लान किया तुमने? उसको मारना है। पहले भी कभी पीछा किया मारने की कोशिश की? पहली बार था। पहली बार थी सर। तो तुम्हें कैसे मालूम चला कि यहाँ पे आने वाली है ये? आती है ना, विसर्जन था। किस चीज का विसर्जन था? हमारा विसर्जन था सर, मंदिर में। तुम्हें मालूम था वो आने वाली है? किसने बताया तुम्हें? पता था ना सर। तुम्हें पता था? तो कितने बजे तुम पहुँच गए थे वहाँ पे? पहुँचा था सर सुबह 10 बजे से था मैं तो सर। और तुम कितने बजे पहुँचे? 10 बजे पहुंची थी। मैं भी 10 बजे। तुम भी 10 बजे पहुंचे। पहुंचने के बाद क्या किए तुम? घूम रहा था सर उसको, फिर वो 3 बजे उसको मारा हूँ। 3 बजे मारे हो उसको? कैसे मारे? चाकू से मारे। कहाँ पे मारी चाकू? पेट में मारे। कितनी बार मारे? 6 से 7। 6 से 7 बार मारे। वहीं पे मर गई थी? हॉस्पिटल जाके मरी? नहीं, वहाँ पे थोड़ी जिंदगी थी, जिंदा था सर। भाग गए। भाग। बहन को क्यों मारे? बहन को नहीं मारा हूँ सर। तो अपने आप चाकू लग गया उसको? बीच में आई होगी तो पड़ गया होगा सर। बीच में आई होगी तो पड़ गया होगा। अरे उसको नहीं मारा सर। बता, तुम कुछ इतना देखे मारे जा रहे थे चाकू? पहले भी कोई चाकूबाजी किए हो कि पहली बार चाकू मारे? पहली बार मारा हूँ सर। चाकू का केस वो बनाया पहले? नहीं बनाया। नहीं बनाया। नशा भी करते हो क्या? नशा कर लेते हो सर। कर लेते हो? कौन कौन सा नशा करते हो? दारू पीते हो सर। दारू पीते हो? और कुछ नहीं सर। उस दिन कौन सा ये कोरेक्स वाला नशा? वैसे ही पी लेता था सर। वो तो वैसे ही पीते हो, तो ताकत की चीज़ है। क्यों? कफ जम जाता। हाँ, कफ जम जाता ना तो कफ जम जाता। कहाँ जमता है कफ? कफ तो निकलता है भाई, जमने वाला नया देखा हूँ मैं कि कफ जमता भी है। और कोरेक्स पीने से क्या वो घुल जाता है कफ? उस दिन कितना कोरेक्स पी के आए थे? आधा पिए थे। हाँ, आधा पिए थे। अभी जमा हुआ है? खुल गया है? खुल गया सर। कैसे कपड़े पहनते हो देखो यार, कोरेक्स पीते ही हो। गांजा दिखाओ। कोई दुख है तुम्हें कि वो मर गई? हाँ, दुख कहाँ है? तुम तो बोल रहे हो तुम खुद ही मारे हो, तो दुख किस बात का है? हाँ, क्या दुख है? मार दिया गया। और तो मार दिया कर। ये पैर में क्या हुआ तुम्हें? ये एक्सीडेंट हुआ था सर। कैसे? बाराती से पहले एक्सीडेंट हुआ था, कार वाले चढ़ा दिया था पैर। तुम कौन सी गाड़ी में थे? मैं गाड़ी से नहीं था सर, डिवाइडर पार कर रहा था, कार वाले स्पीड से आया, चढ़ा दिया था। तो ये एडमिट भी रहे थे क्या? नहीं सर, ठीक हो गया। जरूर कहीं से कूदे वूदे हो गए तुमको, हुआ होगा। गाड़ी चलाने का है ही नहीं, गाड़ी चलाया ना साइड में नहीं होगा, ऊपर होगा, समझे? मुझे कहानी सुनाते हो। वो दानवीर चोर था सर। दानवीर चोर नहीं था, उसी का पार्टनर है। चोरी करके बांट देते थे जो कंबल बांटते थे। और तुम्हारा वो दोस्त कैसा है जो कंबल उबल बांटा करता था? वो तो ठीक है सर। हाँ, अभी दुकान खोला था नवरात्रि में भी। दुकान खोला है? और चोरी से चोरी छोड़ दिया? छोड़ दिया सर, ईमानदारी का जिंदगी जी रहा है। ईमानदारी का जिंदगी जी रहा है बेचारा? वो बेचारा है, वो जो ईमानदारी की जिंदगी जी रहा है वो बेचारा है। और तुम चाकू छुरी चला रहे हो तो तुम महान आदमी हो। हाय, वो 8 लोग थे उसमें, बाकी 8 लोग क्या कर रहे हैं? एक तो ईमानदारी की जिंदगी जी रहा है, बाकी 6 लोग? बाकी 6 लोग घर साइड होकर काम में जा रहे हैं। हाँ, एक अंदर ही है अभी तक। एक अंदर ही है, उसको जमानत नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। और बाकी 5 लोग? बाकी 5 लोग अपने, 3 जन गाँव में रहते हैं, 1 जन हमारे मोहल्ले में रहते हैं। तो एक तुम ही ऐसे काम में क्यों आ गए भाई? सर, नशा करके करते तब तो फिर ग्लानी होती, तुम्हें ग्लानी नहीं है? तुम तो बोल रहे हो प्लानिंग कर रहे थे, 1.5-2 महीने से लगे हुए थे, जब मौका मिलेगा उसको कर दोगे। 1.5-2 महीने से नहीं थे सर, 3-4 दिन से लगा। 3-4 दिन से लगे हुए थे तो
तुम बात नहीं किए उससे, समझा दो उसको, बातचीत किया था सर बात पहले कब? हाँ, दो तीन दिन पहले किया था। और क्या बात किए? उसको बोला बात करना छोड़ दे ऐसा। मेरे से बात करने करके बोला था सर। के बोलो भाई, मेरे से बात करना करके करने करके बोला था उसको। क्या बोली वो? ये नहीं करूँगी बात, तो ठीक है करके। फिर उसके बाद दूसरे लड़के से बात करने लग गई। फिर बात करने लग गई, मतलब तुम तो इंस्टेंट जस्टिस करते हो यार, तुम खुद को भगवान समझते हो क्या? जो बात नहीं सुनेगा उसको चाकू घोंप दोगे? 7-8 बार घोंपे, थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ तुम्हें? तुम आदमी के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हो? नाबालिग लड़की थी वो। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 19 साल। 19 साल? हाँ, 20 साल का। सोचो तुम्हारे साथ बाकी लोग थे, वो सुधर गए, वो अपने काम में लग गए। तुम निकलने के बाद कुछ काम करना शुरू किए? नहीं शुरू किए। क्या काम कर रहे थे? टाइल्स का काम कर रहे थे। अब इतना पिछली बार समझाया था तुम लोगों को, अपना काम में लगे रहते। वो तो चोरी के केस में गए थे, 357-380 तो जमानत हो गई। अब इस केस में तो जमानत भी मुश्किल है। अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर ऐसी चीज़ें होंगी ना। कोई समस्या थी तो आके थाने में बता सकते थे, लड़की के घर वालों से बात कर सकते थे। ऐसे खुलेआम सबके सामने तुमने छुरी चाकू चला दिया, मतलब हत्या कर दी, पेट में मारा। तो पता है तुम्हें पेट में मारने से जान जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। नाबालिग की हत्या में तो बहुत बड़ा केस हो गया तुम्हारे ऊपर। अब तो तुम्हें सुधरने का भी जल्दी मौका नहीं मिलेगा, और सुधरने का मौका क्या मिलेगा? एक बार चोरी के केस में गए, बाकी लोग सुधर गए, तुम खुद बता रहे हो। और पहले भी समझाया था तुम्हें कि नशा जो है वो बहुत अपराध की गुस्से को बढ़ाता है, नशा करने से आदमी जो है बड़े अपराध करता है। तब भी तुम आके नशा को नहीं छोड़े। यदि नशे को छोड़ देते तो शायद कुछ चेंज आता तुम्हारी ज़िंदगी में। यही अंत होता है नशा का, यही अंत होता है अपराध का। पहले आदमी छोटा अपराध करता है, छोटा अपराध जब करता है नहीं सुधरता है तो बड़ा अपराध करता है, जब बड़ा अपराध करता है तो फिर ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाती है। इसीलिए अपराध की दुनिया में घुसना ही नहीं चाहिए। अपराध की दुनिया में घुसने से, पेट में चाकू मारने से जान चली जाती है, ये तुम्हें किसने बताया था? नहीं बताया था सर। कहीं देखे थे क्या YouTube पे इस पर कैसे मारना है? नहीं सर। मोबाइल रखते हो? नहीं रखते हो? नहीं रखते सर। नहीं रखते। चाकू मारने के बाद फिर कहाँ भागे? स्कूल में भाग गए थे। स्कूल में भाग गए थे? कहाँ थे वो स्कूल में? सरकारी स्कूल। वहाँ कहाँ छिपे हुए थे? नीचे में स्कूल मैदान में नीचे। कैसे पकड़ी पुलिस? पता नहीं सर, मुखबीड़ी से पकड़ी होगी। मुखबीड़ी से पकड़ी होगी। कितने भी तेज हो रहोगे ना पुलिस के हाथ, तो हत्या चढ़ोगे। थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखे होते, थोड़ा संयम रखे होते, आसपास समाज में लोगों से बात किए होते तो इतना जघन्य अपराध नहीं करते। 20 साल की उम्र है तुम्हारी, इस उम्र में लंबा आप जाओगे जेल। जेल से निकलोगे तो शादी-वादी की उम्र भी निकल जाएगी तुम्हारी। लेकिन तुम लोग तो मतलब जो चीज़ चाह लिया वो करना ही है, दूसरा नहीं सुनेगा तो उसको मार डालोगे। किसी के साथ डिस्कस किए थे क्या करना है, कि अकेले प्लानिंग किए थे? अकेले प्लानिंग किए थे। अकेले प्लानिंग किए। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है और 2 भाई है। तो उन लोगों ने नहीं समझाया तुमको? उनको पता भी नहीं था सर। पता नहीं था उनको। तुम्हारा जमानत कौन लगाया था? मम्मी। बताओ, जमानत लगा के तुम जेल से छूटे थे, उसके बाद भी तुम्हें घर वालों की कोई चिंता नहीं है? घर वालों को मालूम चला क्या तुम्हारा? चल गया होगा। तुम
मिलने आया नहीं है? क्या मिलने आएंगे? सबको पता है तुम किस तरह की हरकतें किए हो। तुम्हें लग रहा है कुछ गलती हो गया कि तुम्हें लग रहा है तुमने जो किया सही किया? गलती हो गया सर। क्या गलती हुआ? मार दिया उसको। तो क्या करना चाहिए तुम्हें? समझाना था सर। समझाना था। ओ गलती तो छोटी किए नहीं हो, अब बड़ी जल्द गलती किए हो। अब एक आदमी की जान ले लिए हो तो तुम्हारे साथ उसको मारा, बहन को क्यों मारा? कह रहा है ना बीच में आ गई होगी, लग गया हो। कोई ग्लानी नहीं, याद सेंस में नहीं था। 7 से 8 बार फिर अंधाधुन घूमता रहा। सर कोरेक्स कहाँ से लिया था ये? कोरेक्स कहाँ से लेते थे भाई? गुप्ता मेडिकल। गुप्ता मेडिकल। ये क्या बिना प्रेस्क्रिप्शन के देते हैं? बिना प्रेस्क्रिप्शन के देते हैं? बिना प्रेस्क्रिप्शन के ऐसे ही देते हैं। कितने सीसी देता है एक बार में? एक सीसी। एक बार में एक सीसी देता है। मान लो उसके बाद सीसी खत्म हो गया, दोबारा जरूरत पड़ी तो दोबारा नहीं देगा। दोबारा कब देता है फिर? अगले